So, the display is working, but तो ये रहा दोस्तों ऑन द प्ले, हमने इसकी ड्यूरेबिलिटी देखी है, अब बारी है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस चेक करने की। जो सबसे बेस्ट तरीका है कुछ और पॉपुलर डिवाइसेस साथ में लीजिए, तो हम कुछ डिवाइसेस आज लेने वाले हैं। तो उससे पहले हमने ये देखा था ऑनर 9N का परफॉर्मेंस चेक देखा था। तो ये हमने देखा था कि ये स्नैपड्रैगन 4 सीरीज के प्रोसेसर हैं, जैसे कि 450 और 430, उससे फास्टर था एप्लीकेशन लॉन्चिंग सब कुछ में, लेकिन ये स्लोवर था स्नैपड्रैगन 6 सीरीज के डिवाइसेस से, बहुत स्लो नहीं था, थोड़ा सा स्लो था। तो अब चूंकि ऑनर प्ले इसका थोड़ा हायर एंड वर्जन है, एग्जैक्टली इसका तो नहीं है लेकिन सेम कंपनी से हायर बजट रेंज में आता है, इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली से तो बेस्ट होनी चाहिए, फ्यूचर में आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि ये स्नैपड्रैगन 6 सीरीज से फास्टर होना चाहिए। अब इसमें क्रेन प्रोसेसर होता है ना ही स्नैपड्रैगन ना ही मीडियाटेक, तो ये कुछ कस्टम खुद के प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि सैमसंग का एक्सिनॉस होता है, वैसे इनका क्रेन प्रोसेसर है। तो कुछ डिवाइसेस हम साथ में लेते हैं, आपके सामने कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी मी A2 है स्नैपड्रैगन 6 0, 4 GB रैम का वेरिएंट है लेकिन फिर भी एंड्रॉइड 1 डिवाइस है, थोड़ी अच्छी काम करनी चाहिए। Zenfone Max Pro M1 6 GB वेरिएंट, Redmi Note 5 Pro स्नैपड्रैगन 6 6 6, दोनों में होता है 6 GB रैम का वेरिएंट है, और हम ले रहे हैं OnePlus 6, 8 GB रैम का वेरिएंट है स्नैपड्रैगन 845। हमें पता है कि ये फास्ट काम करेगी लेकिन फिर भी देखते हैं कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि 20,000 वर्सेस 40,000 की परफॉर्मेंस हाफ है कि कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये सब हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत सी चीज़ें हम करते हैं, स्पीड टेस्ट, रियल वर्ल्ड टेस्ट, यू नो, बेंचमार्किंग कंपैरिजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं ऑनर प्ले की परफॉर्मेंस टेस्ट, डिवाइस की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं पावर ऑन टेस्ट से, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले टर्न ऑन होती है। ये सभी चीज़ें आपको दिखाती हैं कि आपका OS कितना कस्टमाइज है, कितना इंप्रूव किया गया है, ये सभी चीज़ें इससे ये पता चलती हैं। तो देख के तो अभी सभी डिवाइसेस बराबर लग रही हैं लेकिन फिर भी कौन सी डिवाइस फर्स्ट टर्न ऑन होती है, तो ऑनर प्ले को आप OnePlus 6 के अगेंस्ट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्लो आपकी डिवाइस होगी। तो फर्स्ट आपकी ऑनर प्ले है, फॉलोड बाय आपकी OnePlus 6 है, Zenfone M1, फिर Mi A2 है, लास्ट में आपकी Note 5 Pro है। तो Mi A2 अगर आप 6 GB वेरिएंट का ट्राई करते हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो कि बहुत ही फास्ट डिवाइस होती वो, फिर भी जो भी आपके सामने हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, सभी डिवाइसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 8.1.0 में है, एक्सेट OnePlus 6 जो कि भी एंड्रॉइड पाई 9.0 बीटा में रन कर रही है, तो परफॉर्मेंस ठीक है। फिलहाल मैंने इसे यही ले रखा है, आप कोई भी वर्जन ट्राई करते हैं वो आपकी फास्टेस्ट ही रहेगी। तो ये रहे आपके वर्जन, सो डिवाइसेस को, सभी डिवाइसेस को आपको एंड्रॉइड भी मिलना चाहिए गारंटीड, क्योंकि सभी डिवाइसेस लेटेस्ट हैं, तो आपको एंड्रॉइड भी डेफिनेटली मिलेगा। ये मेन टेस्ट है, एप्लीकेशन लॉन्च टेस्ट, यहाँ आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कुछ सेट ऑफ एप्लीकेशन मैं सेम सभी फोन्स में ट्राई कर रहा हूँ, कौन सी डिवाइस कितनी फास्ट एप्लीकेशन लॉन्चिंग करती है, तो यहाँ एक्यूरेसी एकदम बराबर है। अगर आप पॉज करके भी देखेंगे, आप देखेंगे सभी डिवाइसेस में एप्लीकेशन सेम टाइम पर लॉन्च किए गए हैं। तो सबसे फास्ट है OnePlus 6 ऑनर प्ले, फिर आप देख सकते हैं बाकी Mi A2, Zenfone M1, Note 5 Pro ऑलमोस्ट लगभग बराबर में, लेकिन Mi A2 थोड़ा सा फास्ट चल रही है क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन देखते हैं रैम कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है। सेकंड गेम भी आपको देख सकते हैं OnePlus 6, देन ऑनर प्ले, Mi A2, और उसके बाद आपका Zenfone M1, Note 5 Pro। तो Note 5 Pro थोड़ा सा पीछे दिख रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। पोकेमॉन गो GPS टेस्टिंग भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें नेटवर्क GPS दोनों चलता है, थोड़ा सा हैवी गेम है, टाइम लेता है लोड होने में, सिस्टम रिसोर्सेज इस फोन में बेटर होते हैं, सो ज़्यादा चलता है इसमें ठीक से। तो उम्मीद हमारी यही है कि OnePlus 6 ऑनर प्ले में कोई एक पहले आना चाहिए, तो ऑनर प्ले फर्स्ट है, फॉलोड बाय आपका OnePlus 6 है, तो और उसके बाद Mi A2 आना चाहिए वैसे ये। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ ट्रेंड सा दिख रहा है, ऑनर प्ले की डिवाइस काफ़ी ठीक है, स्लो नहीं है, OnePlus 6 से थोड़ा ही पीछे है। और ट्राई करते हैं नेक्स्ट गेम Dead Trigger 2, यहाँ पे देखते हैं OnePlus 6 फॉलोड बाई ऑनर प्ले, Mi A2, Zenfone M1, Note 5 Pro लगभग बराबर में आए थे। लास्ट गेम XFall 9 है, ये बहुत ही हैवी गेम है, 1.56 GB का है ऑफलाइन में पूरा, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ऑनर प्ले मुझे स्लो लग रहा है हैवी गेम्स में, लेकिन इवन दो इसका मल्टी कोर आपका देखेंगे ये हायर क्लॉक पे 2.8 GHz पे, फिर भी थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें टाइम लगता है, शायद रैम कम है, यही वजह होगी। OnePlus 6 फॉलोड बाई Zenfone M1, देख सकते हैं ज़्यादा रैम यहाँ डेफिनेटली हेल्प कर रही है, फिर आपकी ऑनर प्ले, Mi A2, लास्ट में आपका Note 5 Pro है। तो अगर ऑनर प्ले 6 GB रैम वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल होता तो बहुत ही फंटास्टिक डिवाइस होती वो। अब चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं, ये है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट है, हमने 5 गेम लॉन्च किए,
अब देखते हैं ये पांचों गेम आपकी मेमोरी में है कि नहीं है। तो ये सभी गेम मिला के लगभग 2 GB के आसपास का रैम कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में 6 GB रैम है तो डेफिनेटली सभी होने चाहिए। तो हम 4 GB रैम के वेरिएंट पर देख रहे हैं Mi A2 में, ऑनर प्ले में। तो जहाँ तक हमें लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि 4 GB रैम में अगर 2 GB रैम कंज्यूम अगर आप हो जाते हैं फिर भी 2 GB रैम बचती है। तो रिजल्ट सामने आपको दिख रहे हैं, सभी गेम आपके अभी तो मेमोरी में है। तो रिज्यूमिंग में देखिए कौन सी गेम कितनी क्विकली रिज्यूम होती है। ऑनर प्ले में थोड़ा सा आपको डिले दिखेगा क्योंकि रैम कम है, शायद वो बहुत ऑप्टिमाइज नहीं होगा। नोट 5 प्रो, Mi A2, OnePlus 6 और Tetragar 2 भी मेमोरी में है। तो 4 GB रैम के फ़ोन भी ठीक होते हैं अगर आप कैजुअल यूज़र हैं, इससे ज़्यादा तो एक्सट्रीम आप नहीं गेम्स लॉन्च करते होंगे एक साथ, फिर भी सभी गेम आपके मेमोरी में है। तो अगर आप कैजुअल यूज़र हैं तो कोई भी डिवाइस जिसमें 4 GB रैम हो आपके लिए परफेक्ट है, बट अगर आप प्रो यूज़र हैं डेफिनेटली आप ज़्यादा रैम वाले डिवाइसेस भी चाहिएगा। तो ये रहे आपकी कैजुअल मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट। अब यहाँ आप नया टेस्ट देखते हैं, रियल वर्ल्ड टाइम टेस्ट। तो मैंने सारे गेम्स ऑलमोस्ट चेंज कर दिए, नए नए सेटअप एप्लीकेशंस लिए हैं जो कि मॉडर्न हैं। तो ये एक्सट्रीम टेस्ट है, इसमें आप ये भी देख लीजिए कि अगर आप सेम सेटअप चीज़ें दिन भर में करते हैं, कई बार लॉन्च करते हैं, तो कुछ सेकंड भी अगर आपके बच जाते हैं किसी डिवाइसेस में तो डेफिनेटली आप लाइफ में अपने कुछ सेकंड्स ऐड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कौन सी डिवाइसेस कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपकी डिवाइस रैम ज़्यादा है तो आप ज़्यादातर एप्लीकेशंस अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, तो रिज्यूम करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनर प्ले में रैम कम है तो इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो OnePlus 6 एज ऑलवेज फास्टेस्ट है, लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हैं ऑनर प्ले वर्सेस Mi A2 वर्सेस Gen 5 M1 नोट 5 प्रो, चारों में ज़्यादा नहीं है। चारों ही फ़ोन आपके ऑलमोस्ट लगभग सेम गेम है उस पर चल रहे हैं, कुछ सेकंड्स का डिफरेंस ही है। OnePlus 6 काफ़ी अहेड है क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर हाईएस्ट रैम है, होना भी चाहिए। एक्सपोज 8 यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फिर लग रहा है ऑनर प्ले में, देख सकते हैं टाइम लगता है इसमें आने में। OnePlus 6 नेक्स्ट पे आ चुकी है, पावर डायरेक्टर सब कुछ है, एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्सप्रेस, देन उसके बाद है आपका एडोब प्रीमियर क्लिप। नोट 5 प्रो यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक दिख रही है क्योंकि रैम जाता है, इसलिए मैंने कहा अच्छी है। ऑनर प्ले में देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एप्लीकेशन जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं ना तो नेक्स्ट एप्लीकेशन लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले लग रहा है, ये डेफिनेटली रैम की प्रॉब्लम है। Gen 5 M1 भी ठीक है, स्मूथ क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, बढ़िया काम कर रही है। तो OnePlus 6 में देखिए सारे एप्लीकेशन के मेमोरी में है, रिज्यूम कितना परफेक्ट है देख सकते हैं, ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। तो 1 मिनट 35 सेकंड लग रहा है, देखते हैं इससे कंपैरिजन में बाकी डिवाइसेस कितना टाइम लगता है। तो सभी डिवाइसेस ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस मेमोरी में रखते हैं, यहाँ पे 4 GB रैम ठीक होता है इतना एप्लीकेशंस स्कीम रखने के लिए, लेकिन जो आप पिकअप्स देखेंगे आपको ऑनर प्ले मिलेगा, जैसे जैसे आप रिज्यूम करते हैं आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन जब गेम्स रिज्यूम करते हैं जो ज़्यादा मेमोरी लेते हैं तो सर डिले लगता है। नोट 5 प्रो में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिलहाल फास्ट है सम हाउ, आपका MIUI काफ़ी ऑप्टिमाइज है। तो सेकंड फास्टेस्ट यहाँ पे आ रही है नोट 5 प्रो, हमें देख के लग रहा है नहीं Mi A2 है, उसके बाद नोट 5 प्रो, देन Gen 5 M1, ऑलमोस्ट बराबर स्कोर है। तो आप देखिए ऑनर प्ले में जो एक्स्ट्रा आप लगभग जितना भी सेकंड देंगे 10-12 सेकंड, वो उसकी वजह यही कि शायद उसमें रैम कम है। तो ये दोस्तों एक नया टेस्ट है पावर डायरेक्ट टेस्ट, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करते हैं डिवाइस की कैसी रियल वर्ल्ड में। तो हम यहाँ पे एक 4K 30 FPS की क्लिप है, किसी और स्मार्टफोन से फिल्म की गई है, उसको हम 1080p 60 FPS में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था स्प्लैश स्क्रीन में। तो फ्रेम कन्वर्जन है, तो यहाँ पे आप सरप्राइज जाएंगे, इनफैक्ट मैं खुद सरप्राइज हो गया, ये देखिए कि ऑनर प्ले OnePlus 6 से बेटर परफॉर्म कर रही है। तो एक तरीके से ये बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस आप मान सकते हैं किसी सेंस में, अगर 6 GB रैम होती तो ये सुपर डिवाइस होती, लेकिन फिलहाल 4 GB रैम में भी एक्चुअल परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट है, कुछ कौन सा हमने पहले देखे, लेकिन आप देख सकते हैं ऑनर प्ले यहाँ पे फास्ट आ गई है। 2 मिनट 15 सेकंड टाइम लगा इस पूरे कन्वर्सन में, जबकि OnePlus 6 में अभी भी कन्वर्सन चल रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी फैक्टर हो सकती है अगर आप ऐसे कुछ टास्क करते हैं, हैवी एप्लीकेशंस चलाते हैं तो, या गेमिंग के वक्त डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको मदद करेगी, शायद इसीलिए GPU इसमें थोड़ा हेल्प कर रहा है। तो नेक्स्ट आपकी है OnePlus 6, 2 मिनट 50 सेकंड पे है, मैं सब फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा मिनट है। और तीनों डिवाइसेज देखिए Mi A2, Gen 5 M1, नोट 5 प्रो, तो 2 GB रैम कम है लेकिन वो काउंटर अप हो जा रहा है Mi A2 में ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर 6.0 से, लेकिन 2 GB एक्स्ट्रा रैम है Gen 5 M1 नोट 5 प्रो में, तो वो थोड़े से हेल्प कर दे रहे हैं पुराने प्रोसेसर को। तो बाकी तीनों डिवाइसेज लगभग आपके 4 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड ही है, तो मैंने अप्रॉक्स 4 मिनट दिया है। तो अब देख सकते हैं कितना डिफरेंस है ऑनर प्ले वर्सेस सभी डिवाइसेज में, लगभग 1.5 मिनट से ज़्यादा का डिफरेंस लग रहा है। ऐसा कोई आप टास्क चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑनर प्ले रिकमेंडेड है, हैवी टास्किंग के लिए डेफिनेटली ये चीज़ बेटर है, लेकिन रैम थोड़ी सी कम है।
लास्ट में कुछ बेंचमार्किंग स्कोर्स भी देख लेते हैं, आईटी लगा लेते हैं, मल्टीकोर स्कोर और सिंगल स्कोर कितना डिफरेंस है। सभी डिवाइसेस आपकी ऑक्टा कोर हैं, तो टेस्ट में फिर से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप फ्रेश स्कोर्स देखें क्या स्कोर आ रहा है। तो ये रहा स्कोर आपका, वन प्लस सिक्स फॉलोड बाई ऑनर प्ले है और आप बाकी तीन डिवाइसेस ऑलमोस्ट बराबर में हैं 100 के, लेकिन ऑनर प्ले का स्कोर काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं 2000 के है, वन प्लस सिक्स से थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फिर गीक बेंचमार्क रिजल्ट्स है, तो ऑब्वियसली वन प्लस सिक्स का बेटर होना चाहिए फॉलोड बाई ऑनर प्ले, देख सकते हैं बेटर है। बाकी मी ए टू जेनफोन एवन क्लोज टू है, नोट फाइव प्रो आपका लीज में। तो ये रही आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट। तो एज ऑलवेज गाइस, अब बारी है कंक्लूजन करने की। तो हमने देखा कि ऑनर प्ले की परफॉर्मेंस रियली बहुत ही अच्छी है, स्पेशली इन तीनों डिवाइसेस स्नैपड्रैगन के 6 सीरीज से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन कुछ हमने ग्लिचेस देखे हैं, जैसे कि आप एप्लीकेशन रिज्यूम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले है, तो वो चीज़ डेफिनेटली कम रैम होने की वजह से है। ये शायद फिक्स की जा सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट से, कुछ एक्सटेंड तक कंप्लीट भी की जा सकती है। लेकिन ऑनर 9M में फिलहाल एक महीने से ज़्यादा यूज़ करो, कोई इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, जबकि और फोन्स में काफ़ी फ्रिक्वेंट अपडेट आते रहते हैं। तो मान के चलिए आपको ये चीज़ फिक्स नहीं हो पाएगी। तो अगर ये डिवाइस 6GB रैम में अवेलेबल होती इंडिया में, तो डेफिनेटली ये एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग होती अंडर 20,000, जैसे कि आपकी वन प्लस सिक्स है 40,000 के अंदर में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिवाइस आप पा सकते हैं। फिर भी डिवाइस की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ उन सभी डिवाइसेस को जाने को जिसमें रैम ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्यूचर प्रूफिंग भी होती है और परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। जो हिकअप्स हमें जिसमें मिले थे ऑनर प्ले में, वो चीज उसमें नहीं मिलेगी। सो अगेन डोंट टेक मी रॉन्ग गाइस, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जितना ज़्यादा रैम आपके फोन में होगी उतना ज़्यादा आने वाले समय के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, जस्ट ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गाइस ये थी आपकी ऑनर प्ले की परफॉर्मेंस। स्टे ट्यून्ड फॉर सो मेनी वीडियोस। मेरा नाम सौरभ है, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।